ये आपका एम्पलीफायर का आगे का लुक है, इसके बाद हम पीछे का दिखा देते हैं। जय श्री राम मित्रों, दोस्तों आपका बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे PVT 701 एम्पलीफायर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेंजर PVT 701 एम्पलीफायर आती है, लोगों के मन में बहुत से डाउट है ये एम्पलीफायर हमें लेनी है नहीं लेनी है या क्या कैसा, आपको मैं इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम सिर्फ आप देख रहे पायल डीजे किंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कोई भी नया हो या चैनल में नया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तक वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा स्टेंजर PVT 701 के बारे में, कि हम ये एम्पलीफायर लेना है कि नहीं लेना, अगर लेना है तो ओरिजिनल लेना, डुप्लीकेट नहीं लेना, अगर हम इसमें क्या क्या चला सकते हैं, 15 कितने चलाएंगे, 12 कितने चलाएंगे, या हाई मतलब जो ट्यूटर आता है, यूनिट आता है, वो आप कितने चलाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इसी टॉपिक में होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टेंजर की बात करते हैं। दोस्तों जो स्टेंजर PVT 701 आता है वो आपका 10 मॉस्फेट में आता है, इसके कुछ वेरिफिकेशन में बता दूं। दोस्तों ये आता है आपका 10 मॉस्फेट में, 10 मॉस्फेट कैसा, जो T5200 CSC के नाम से जो मॉस्फेट आते हैं, IC जिसको आप भाषा में IC भी बोल सकते, इस समय वो ओरिजिनल 10 मॉस्फेट में आ रही है। अगर इसी के कंपेरिजन में हम बात करें 500 वाट में, तो उसमें 8 ही मॉस्फेट आते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों 10 मॉस्फेट आ रहे हैं। तो दूसरा, आप इसमें जो रिले होंगे आपको जो वो सॉरी ब्रिज होगा वो आपको 2 होंगे, इसमें रिले यूज नहीं होता, रिले नहीं लग के आता है, जिस वजह से आपके एम्पलीफायर स्पीकर जलाने के कम चांस होते हैं, क्योंकि रिले की वजह से स्पीकर बहुत ज़्यादा जल, अगर रिले खराब हो गया और एम्पलीफायर बंद हो गया तो स्पीकर पहले मारेगा, एम्पलीफायर बाद में खत्म होगी। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं इसके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। दोस्तों जैसे आपको प्रोग्राम करना है, जैसे आप सोच रहे हैं कि इसमें हम 12 कितने चलेंगे, तो वो भी आपको बता दो। दोस्तों जैसे आपको प्रोग्राम में लगाना, तो आप इसमें 4-12 आराम से बजा सकते हैं। आपको DJ बजाने के लिए चाहिए तो बेहतरीन ले सकते हैं, 4-12 आप चाहे जिस तरह बजा लीजिए। इसके बाद अगर हम प्रोग्राम की बात करें, तो आप इसमें 4-12 250 वाट के स्पीकर आप आराम से इसमें बजा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 250 वाट के 4-12 इंच के टॉप आप चला सकते हैं। दूसरा, अगर आप 15 इंच का चलाना चाहें तो आपको 300 वाट का स्पीकर होने चाहिए, 15 में 2 कैबिनेट आप आराम से चला सकते हैं। 300, 400, 300 या 400 सुपर स्पीकर नहीं होने चाहिए, 15 में 400 वाट का स्पीकर आप 2 15 इंच के टॉप चला सकते हैं इस एम्पलीफायर में, DJ में। अगर प्रोग्राम में चलाना है तो आप 400 वाट के भी इसी में चला सकते हो, DJ चलाइए, प्रोग्राम चलाइए, क्योंकि इसकी जो आवाज़ बहुत बेहतरीन निकलती है, 500 और जो म्यूजिक टोन की 1200 वाट आती है उससे भी आवाज़ अच्छी निकलती है स्टेंजर PVT 701। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें यूनिट की, जो HF आता है हमारा, जो यूनिट आता है वो आप इसमें कितने चलाएंगे, दोस्तों उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आप चलाएंगे 20 HF, 20 यूनिट या HF ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप 20 यूनिट चला सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसमें 4 12 इंच के टॉप चला सकते हैं, ये तो 2 15 इंच के टॉप चला सकते हैं, ये तो आप 20 इसमें यूनिट चला सकते हैं। आप सोचे कि इसमें हम 1000 वाट का बेस छोड़ दें, तो बेस बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि इसका काम है आवाज़ निकलना, ना कि बेस निकलना, क्योंकि जो मॉस्फेट लग गया तो आवाज़ के लिए आते हैं, बेस के लिए बिल्कुल भी नहीं आता, बेस के लिए अलग मॉस्फेट आते हैं। जो इसमें जो कैपेसिटर होते हैं वो 2 हैं, इसलिए थोड़ा लोड कम ही डालिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 15 इंच ही चलाना है, या आप चला तो 3 भी सकते हैं, 12 की 5 या 6 चला सकते हैं अर्जेंट में, लेकिन मैं आप चलिए इसके, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पलीफायर आपको कैसे लेनी है, ओरिजिनल डुप्लीकेट, चलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों एम्पलीफायर का लुक आपका ये होगा, आप देख सकते हैं स्टेंजर PVT 701 CB, इसके बाद पावर बटन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। आप यहाँ पे एम्पलीफायर देख सकते हैं, वॉल्यूम बेस मिड ट्रिबल सब कुछ, टेम्परेचर ओवरलोड और ऑन का यहाँ पे इंडिकेशन दिए हैं। चलिए मैं आपको एक बार बैक पैनल इसका दिखा देता हूँ। दोस्तों जो भी आप एम्पलीफायर लेंगे, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, आपको ओरिजिनल लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इसमें मॉडल नंबर लिख किया था, वही आपका इस गत्ते में भी लिख किया, जो इसके साथ स्टिकर आएगा, और यही जो जो जिसमें पैक हो गया वही इसमें भी लिखा रहेगा। तो आप देख सकते हैं एम्पलीफायर आपको यही लेनी है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।